हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से ब्लास्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। सामने जो पिक्चर दिख रहा है ये ब्लास्ट है, जैसे ये जितना भी दिख रहा है ये ब्लास्ट है। और ब्लास्ट से जो है एक्चुअली जहाँ पे रेलवे का ट्रैक होता है वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह जो है हमेशा एक्चुअली फिल रहना चाहिए। जैसे एक स्लीपर दूसरा स्लीपर के बीच में, जैसे है ये स्लीपर और ये स्लीपर, ये दोनों स्लीपर के बीच का जो पोर्शन होता है इसको क्रिप ब्लास्ट बोलते हैं। दोनों पैक रहना चाहिए। इससे क्या हो, कम से कम जो है स्लीपर का मूवमेंट होता है, कम मूवमेंट होता है। और तो इससे क्या है, जैसे स्लीपर वगैरह अन स्क्वायर कम होता है, अन स्क्वायर कम होगा तो मेंटेनेंस स्लीपर का कम करना पड़ता है। इसके अलावा जो है ये जो है ब्लास्ट वगैरह का प्रॉपर जो है बराबर ड्रेसिंग बॉक्सिंग वगैरह कराना पड़ता है। जैसे ये प्रोफाइल, जैसे किनारे जो बनेगा स्लीपर के एंड के बाद, तो इसको ड्रेसिंग बोलते हैं। और बॉक्सिंग ये बोलते हैं कि जैसे ब्लास्ट जो है दो स्लीपर के बीच में जो अगर खाली है तो उस बीच में जो है भरा जाता है, उसको बॉक्सिंग बोला जाता है। तो इसी को ड्रेसिंग बॉक्सिंग बोलते हैं। इसके अलावा जैसे ब्लास्ट जो है ड्रेनेज पर्पस के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे अगर ब्लास्ट रहेगा, अगर क्लीन ब्लास्ट है तो उस केस में जो है जैसे बारिश वगैरह जो होती है तो उस केस में जो है काफ़ी आसानी से जो है पानी जो है उसका जो ड्रेन हो जाता है, निकासी हो जाती है ट्रैक से। तो उससे क्या होता है कि वाटर लॉगिंग का चांसेस काफ़ी कम रहता है। तो दूसरा ये एक ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा क्या है, ट्रैक को जो है फ्लेक्सिबल रखता है, जैसे रिजिड नहीं होने देता है ट्रैक हमारा जो है रेलवे का जो ट्रैक जो है इसको काफ़ी फ्लेक्सिबल रखता है। जैसे रेल का जो मूवमेंट होता है रेलगाड़ी का, तो उस केस में जो है लोड जो है रेल के बाद जो है स्लीपर के थ्रू जो है ब्लास्ट पर ट्रांसफ़र होता है। ब्लास्ट के बाद जो है जो हमारा जो सबग्रेड होता है सॉयल वगैरह उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक्चुअली इसको जो है ट्रैक को फ्लेक्सिबल रखता है। तो इससे क्या है, एक्चुअली कम से कम जो है एक्चुअली ट्रैक का सेटलमेंट वगैरह भी होता है, क्या कि एक्चुअली फ्लेक्सिबल रहेगा तो उसमें क्या है, क्या कि रेल भी हमारा इलास्टिक होता है। तो ये सब एक्चुअली इसमें ब्लास्ट का होता है। और ब्लास्ट जो है काफ़ी इसका एक सर्टेन साइज होता है, जैसे 40 mm, 20 mm और 65 mm, ये सीव साइज होता है। उस साइज का जो है ब्लास्ट, जो है ब्लास्ट का एक ट्रेन होता है बॉवियान जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से जो है ब्लास्ट ब्लॉक में जो है अनलोड किया जाता है। अनलोड करने के बाद जो है एक्चुअली फिर ब्लास्ट को जैसे जाम वगैरह हो जाता है तो उस केस में जो है ड्रेसिंग बॉक्सिंग कराया जाता है। तो यही है ब्लास्ट का मेन। और ब्लास्ट दूसरा क्या है, कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे गाड़ी चलते चलते क्या होता है कि जो बॉटम पोर्शन का जो ब्लास्ट होता है वो क्या होता है, क्रश हो जाता है, टूट जाता है। तो उस केस में जो है BCM मशीन होता है, ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन, उसके माध्यम से जो है ब्लास्ट का जो है छनाई किया जाता है ब्लॉक में। छनाई होने के बाद फिर वो जो है ब्लास्ट फ्रेश हो जाता है, जो स्टैंडर्ड साइज ब्लास्ट रहता है वो नीचे चला जाता है और वेस्ट जो होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है। वो मशीन में ऐसे इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो ये सब बेनिफिट होता है। और ब्लास्ट का साइज़ आपको बता दिया, 20, 40 mm और 65 mm इस साइज़ का लगाया जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से ब्लास्ट से संबंधित डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।